दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय सिनेमा में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सिनेमा में ऐसे कई सारे प्रतिभाशाली कलाकार हैं जिन्होंने ना सिर्फ दर्शकों को मनोरंजित किया है बल्कि लोगों के दिलों में अपनी एक खास पहचान बनाई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक भारतीय सिनेमा के ऐसे एक प्रतिभाशाली कलाकार सब्रमण्य बनर्जी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको रामानंद सागर के टीवी सीरियल श्री कृष्णा में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय 55 साल के हो चुके अभिनेता सब्रमण्य बनर्जी का जन्म 14 मार्च 1963 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था। दोस्तों, बेहतरीन अभिनेता सर्वदमन ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 1983 में आई फिल्म आदि शंकराचार्य से की थी। इसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में स्वामी विवेकानंद और एमएस धोनी जैसे कई शानदार फिल्मों में काम किया है। हालांकि आज भले ही अभिनेता सर्वदमन काफी समय से बड़े पर्दे से दूर हो, लेकिन फिर भी दर्शकों को उनकी फिल्मों और टीवी सीरियलों का हमेशा इंतजार रहता है। यही वजह है कि वे भारतीय सिनेमा के पसंदीदा कलाकारों में से एक हैं। दोस्तों, भारतीय सिनेमा में अपनी एक खास पहचान बना चुके बेहतरीन अभिनेता सर्वदमण्य बनर्जी की अगर कुल संपत्ति के बारे में बात करें तो उनके पास कुल मिलाकर 7 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति मौजूद है, जो कि एक किसी फिल्मी एक्टर के हिसाब से काफी कम है। दोस्तों, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि रामानंद सागर द्वारा निर्मित टीवी सीरियल श्री कृष्णा में भगवान श्री कृष्ण का रोल अदा करने के बाद से उनके मन में वैराग्य सा उत्पन्न हो गया था और वे हमेशा हमेशा के लिए फिल्मी दुनिया से दूर हो गए। दोस्तों, आज अभिनेता सर्वदमन ऋषिकेश उत्तराखंड में पहाड़ियों के बीच अपने एक शानदार घर में रहते हैं और मेडिटेशन सेंटर चलाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और इसी प्रकार की मनोरंजन की दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल शानदार खबर को सब्सक्राइब करें।